वेल गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस, आज आपके लिए बहुत तगड़ी वीडियो लेके आऊँ। एक बार फिर से कहूँगा, PLT के जैसा नाच तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा। आप मेरा लॉस देख सकते हो, $4,000 का लॉस। लॉस लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर आपको वो लॉस दिखाएंगे तो आप उनके पास नहीं जाओगे। तो भाई, PLT ऐसा नहीं, PLT जेन्युइन बंदा है। ट्रेडिंग में लॉस किसका नहीं होता, लॉस प्रॉफिट सबका होता है, लेकिन मायने ये रखता है कि बंदा प्रॉफिट कितने दिन कर रहा है, कितने दिन डेली लीडर बोर्ड पे आ रहा है। हाँ, अगर तुम डेली प्रॉफिट कर रहे हो तो कभी कभी आज तो OTC मार्केट था इसलिए मेरा थोड़ा सा $4,000 का लॉस भी चला गया, बट आप देखो मैंने उसको कैसे कवर किया और $21,000 की लाइव अकाउंट से ट्रेड मारा है। फिर से कहूँगा दोस्त, PLT के जैसा नाच तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा। अगेन याद रखना कि लोग तुम्हें चूतिया बनाते हैं ना, अपना जो लॉस तुम्हें नहीं दिखाते। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस करके बैठते हैं लेकिन लॉस नहीं दिखाते, लेकिन PLT तुम सब जानते हो डेली लीडर बोर्ड पे आके बैठता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, $2-4 का लॉस चला जाता है, 2-4 हज़ार का, लेकिन हाँ, उसको रिकवर करके आपके सामने प्रॉफिट में एंड अप किया हूँ। देखो, वीडियो को अच्छी नॉलेज मिलेगी तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आपने देख लिया कि मैंने कितना लॉस किया था, कितना प्रॉफिट किया था। देखो, लॉस ट्रेडिंग में भी होता है, ट्रेडिंग का पार्ट है लॉस और प्रॉफिट। लोग अपना लॉस क्यों नहीं दिखाते, कभी आप सोचते हो? लोग अपना लॉस क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं अपना लॉस दिखाऊंगा तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं। अरे भाई, अगर तुम जेन्युइन हो, तुम अगर डेली प्रॉफिट करवा रहे हो, डेली डेली प्रॉफिट करके लीडर बोर्ड पे आ रहे हो, अगर एक दिन छोटा मोटा लॉस हो जाता है तो उससे क्या लोग तुमसे दूर भाग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो डेली प्रॉफिट करते हैं। लॉस और प्रॉफिट सब जानते हैं, ट्रेडिंग का पार्ट है, कोई भी मार्केट में 110% नहीं है। तो लॉस दिखाने में गया क्या है आपका? लॉस दिखाओगे तो बंदे और सोचेंगे कि नहीं, बंदा ये जेन्युइन है, लॉस अपना दिखा रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि प्रॉफिट, मतलब ट्रेडिंग में सब जानते हैं कि लॉस होना तय है। वो कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन रहे, एक दो ट्रेड, दो तीन ट्रेड लॉस करता है, कभी ना कभी मार्केट खराब रहता है तो वो लॉस कर ही देता है। तो मेरा भी आज ऐसे ही $4,000 का जो लॉस हुआ था, मैंने आपको दिखा के देखो भाई मेरा $4,000 का लॉस हुआ है। हिडन कुछ भी नहीं यार, PLT आपके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंटी से रहता है, इसमें हिडन रखने वाली बात क्या है? मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट ये होता ही रहता है। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को ये आता है कि अपने लॉस को कैसे कन्वर्ट करके प्रॉफिट में लेके जाए, जैसे मैं लेके गया। देखो, रियल नॉलेज होगी ना तो आप अपने लॉस को कन्वर्ट करके प्रॉफिट में लेके जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते। मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, देखो थर्ड नंबर पे हूँ, मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया किसके बेस पे किया? नॉलेज के ही बेस पे किया, नहीं तो मैं ऐसे 18-19 लाख रुपए तो मारता नहीं। एक बार मैंने $22,000 की ट्रेड मारी थी और अब $21,000 की, तो देख लेना दोस्त, मैं 10K जल्दी जल्दी करवाऊँ, मैं कॉटिक्स के सर पे बैठ के तांडव करूंगा, ठीक है? कॉटिक्स के सर पे बैठ के मैं डेली का डेली तांडव करूंगा और डेली का डेली इसी लीडर बोर्ड पे रहूंगा और सबकी और हेटर्स की चूतियों की बैंड बजाता ही रहूंगा। ऐसे आप देख लो, मैं डेली का डेली लीडर बोर्ड पे आ रहा हूँ। देखो, लोग क्यों लीडर बोर्ड पे नहीं आते? एक दिन आते हैं फिर दोबारा कभी दिखते नहीं, तो भाई वो लॉस करके निकल देते हैं। फिर वही चीज़ है ना, नॉलेज होनी चाहिए, रियल नॉलेज होगा तो लोग आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आ पाएंगे। तो एक धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओ, ये नहीं करते जाओ मार्केट में 100% कोई नहीं है। रियल नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज मेरे लिए भी छोटा मोटा डार्क डे था और फिर वही ग्रीन डे बन गया। तो देखो, ऐसा बहुत बार हुआ, एक बार नहीं। लॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है मेरे भाई, ऐसा कभी मत सोचना कि मेरा लॉस नहीं होता, मैं भगवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरा भी लॉस होता है, मैं जेन्युइन हूँ मार्केट में, ठीक है? मैं जो है खुला बताता हूँ, मेरा भी लॉस होता है। हाँ, लेकिन मैं अपने उस लॉस को कवर करना जानता हूँ, अपने उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना जानता हूँ। ये किसका नहीं लॉस होता यार, मैं भी अगर 20 ट्रेड लूंगा तो उसमें से 2-3 ट्रेड इधर उधर चली ही जाएंगी, कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी रहे। अब मैं इस कैंडल पे अगर कह दूं डाउन आएगा, अगर ये अब चली जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, तो एक दो कैंडल इधर उधर चली जा सकती है, बट रियल नॉलेज होगी तो बस एक ही दो लॉस होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो आप आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लो बैक टू बैक श्योर शॉट की डेली अपनी SBIP में बारिश करता हूँ। मैं यही चिपका दूंगा, मैं टाइम देख लेता हूँ जरा, कितना टाइम हो रहा है, हाँ 3। देखो, मैं यही सामने आपके चिपका दूंगा, देख लो। कल मैंने OTC मार्केट में मैंने बैक टू बैक 5th श्योर शॉट दिया था। तो ये होती है रियल नॉलेज यार, तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियो आती रहेंगी। और मैं इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना भाई, किसी के अंदर दम नहीं है कितना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है और वो डरते हैं। मेरे पास नॉलेज है, मैं डरता नहीं हूँ। मैं पेशेंस और ये इमोशंस ये सब मैं मेरे अंदर है ही नहीं, मतलब पेशेंस है, इमोशंस है नहीं मेरे अंदर। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना तो मैं पत्थर बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इमोशंस आएंगे तो लॉस होगा, माइंड सेट गड़बड़ होगा तो लॉस होगा, साइकोलॉजी बिगड़ेगी तो लॉस होगा, इमोशंस आएंगे तो लॉस ही होगा।
तो मैं इन सबको भूल के, इन सबको एक साइड में रख के, तो देखो एक सेकंड मैं एक ट्रेड में सोच ही रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि देखो अपना प्रॉफिट हो गया तो मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी ट्रेड लूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब देख लो लॉस में था, आज ओटीसी मार्केट है आप समझ सकते हो मार्केट खराब था, लेकिन इस खराब मार्केट में मैं अपना प्रॉफिट अच्छे से निकाल लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब शाम तक ट्रेडिंग करूंगा, अभी रेस्ट करूंगा। अभी मेरे अकाउंट में $47,000 था, मैंने 20,000 का विड्रॉ मार दिया, अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया, अगर आपको देखना है तो आप आके देख लो, जस्ट अभी 10-20 मिनट पहले पोस्ट किया था। तो $47,000 था, विड्रॉ मार दिया, 20 बचा बचा था लमसम 26-27 46 था, 45 करके ऐसे कुछ था, तो मैंने $20,000 विड्रॉ मारा तो 25-26 बचा था, फिर वही 15,000 का प्रॉफिट किया, तो अगेन 40 हो गया। ठीक है, तो ये होती है रियल नॉलेज, विड्रॉ करो बनाते रहो, विड्रॉ करो बनाते रहो, ये होता है तगड़ा एक्सपीरियंस, और इसी के बेस पे लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड कैसे मारता हूँ। भाई मेरे पास नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस है, वो अलग चीज है, बट हाँ ये मेरी बोलिंजर बैंड की बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है, जिसके दम पे मैं बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाता हूँ। इस पे मैंने इतना मास्टर कर रखा है कि इसकी सेटिंग इतनी लाजवाब है ना, क्या ही बताऊँ। इसकी सेटिंग अगर तुम जान जाओगे तो तुम खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसकी वीडियो आने वाली है लॉन्ग में, बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन 10K के बाद आएगी, तब तक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी तगड़ी तगड़ी लर्निंग दूंगा ना, तो जेन्युइन नॉलेज दूंगा, क्योंकि मैं राधे कृष्णा को मानता हूँ। भाई राधे कृष्णा मुझे देख रहे हैं, गलत करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। सब जानते हैं PLT एक ही बंदा है जो मार्केट में जेन्युइन है, डेली सबका प्रॉफिट करता है, खुद भी प्रॉफिट करता है और लोगों का भी प्रॉफिट करवाता है। तो यही होती है एक, देखो भाई मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ जिस स्टेज पे आज आप हो। मेरा भी चूती है ना, लॉस करवा देते थे मेरे पास। एक टाइम पे BA सेकंड ईयर का एडमिशन करवाने के लिए मतलब 4,000 रुपीज नहीं था यार, और ये मैं इसमें ट्रेडिंग में डालता था, आप सिग्नल फॉलो करिए, क्या ही बताऊँ, लॉस करवा देते थे यार, क्योंकि अपने लॉस से इनको प्रॉफिट होता था। ये अपने बारे में सोचते थे ना कि और गरीबों के बारे में, तो यार ऐसा ना करो। मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूंगा, भाई आप कमा रहे हो ना, कमाओ, लेकिन गरीब के हाथ से पैसा छीनोगे ना तो दुआ नहीं बद्दुआ मिलेगी, और बद्दुआ लोगे ना तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, तो दुआ लेके जियो, आगे बढ़ जाओगे। भाई मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, अच्छी बात है, तुम भी कमाना है कमाओ, नहीं तो लोगों को लूटने से क्या मतलब, मेहनत करो, खुद कमाओ, अपने दम पे कमाओ, लोगों को भी आगे लेके जाओ जो इस मुसीबत में फंसे हैं, ट्रेडिंग में काफी दिनों से लॉस कर रहे हैं बहुत सबके चक्कर में। तो दोस्त यही कहूंगा, आप चूतियों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो बैंकक्रप्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, लोन लोगे, यही करोगे। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोन वगैरह लेके ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सजेस्ट यही करूंगा, आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करो इन सब चीजों को, और एक जेन्युइन पर्सन के पास जाओ। देखो मैं नहीं कहूंगा, आप मेरे पास आओ, जो आपको जेन्युइन लगता हो मार्केट में आप उसके पास जाओ। अगर उसके सिग्नल की एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपको रियल नॉलेज दे रहा है, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके पास से सीखो। मेरा मेंटोरशिप भी चलता है जिसमें मैं A to Z ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ, बेसिक से एडवांस, एडवांस से एक्सपर्ट लेवल तक सिखाता हूँ, और रियल नॉलेज के साथ प्रोवाइड करके बंदों को इंडिपेंडेंट बनाता हूँ, और खुद भी सिग्नल से भी मेरे प्रॉफिट करते हैं। तो ये होती है एक इंसानियत कि भाई मैं उठ गया हूँ, बट जो बंदे नहीं उठ पा रहे, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस मार्केट में लॉस करते थे जैसे एक दिन मैं करता था, तो क्या मैं उनकी मदद करता हूँ, कर सकता हूँ? तो मैं उनकी जब मदद करता हूँ तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है, ठीक है। शायद मैंने ये ट्रेड यहीं पे मारी थी कहीं पे, यहीं पे शायद मैंने ये ट्रेड मारी थी, मुझे ध्यान में नहीं, यहीं पे मारी थी मुझे लग रहा है, यहाँ पे मारा था या शायद यहाँ पे मारा था, लेकिन मारा था यहीं पे कहीं, तो याद नहीं, ध्यान में नहीं है कितने बजे मारा था, देखूंगा तो पता चल जाएगा। तो अगर तुम्हें भी प्रॉफिट करना है, आगे बढ़ना है रियल नॉलेज के साथ, तो आगे बढ़ो। और जो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना दोस्त, भाई क्या ही मुझे लाजवाब है, ठीक है, मतलब एक नंबर है। क्योंकि इसके देखो मेरे चार्ट पे हमेशा लगा रहता है, मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं ऐसे इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा नहीं लगा रहता, जब मेरा मन करता मैं ऐसे भी ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि देखो देखते हो जब मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो ऐसे भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन जब मुझे बोलिंजर बैंड पे करना होता है तो मैं बस इसको ऐसे कर देता हूँ सिंपल। मुझे इसका पूरा एक मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तो ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर तुम्हें सेटिंग इसकी जाननी है ना, तो फटाफट से आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मेरे जैसे मेरे साथ जुड़ के मेरे जैसा तगड़ा प्रॉफिट करना है, डेली का डेली आगे बढ़ना है, 10-20% गेन करना है, तो दोस्त कुछ मत करो, फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, गिव अवे वगैरह होते रहते हैं, एंड डेली का डेली SBI में OTC हो चाहे फ्लक्चुएशन हो या कोई भी वोलेटाइल मार्केट हो, उसमें PLT रॉक करता है हमेशा, क्योंकि रियल नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप भी रॉक करोगे उस मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको भी जेन्युइन नॉलेज चाहिए, आगे बढ़ना है, प्रॉफिट करना है, प्रीवियस लॉसों को रिकवर करना है, जो आपकी चूतियां करवाए हैं, जो आपका लॉस चूतिया करवा दिया है, जो चूतिये थे पहले उन्होंने करवा दिया, तो उनको छोड़ो, अब PLT के साथ जोड़ो, PLT का हाथ थामो, आगे निकल जाओगे। मैं देखो डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आगे निकल जाओगे अगर अच्छे से मेहनत करोगे, सीखोगे। डेली का डेली मैं तुम्हें 2-3 हज़ार कमवा के दे ही रहा हूँ, प्लस सिग्नल से मेरी एक्यूरेसी आ जाने, टेलीग्राम पे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी आनी है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, और मुझे एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज कर देना,
सर बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी है, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी वीडियो 10K के बाद आएगी और जितना जल्दी तुम लोग फटाफट से मेरा 10K करवा दोगे ना यूट्यूब पे, तो देखना मैं इसकी पूरी फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो काफी लंबी हो गई है, वीडियो को मैं अपलोड करने के लिए रेडी हूँ, शाम तक 4 से 5 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। बस यही कहूंगा कि कितना भी बड़ा डार्क डे आ जाए तो उसको मैनेज करना सीखो, ना कि पेशेंस खो दो और पूरा का पूरा लॉस कर दो। मार्केट को अच्छे से रीड करो। हाँ, ओटीसी मार्केट था मेरा, $4,000 का लॉस गया। एक सेकंड रुक जाओ जरा। इसी मार्केट था मेरा, मैंने 6,000 प्रॉफिट बनाया था, फिर मेरा 4,000। देखो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं हमेशा शो ऑफ नहीं करना चाहता, तो मैं नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ। देखो अभी आपने देखा होगा सुशांत था, तो मेरे दोस्त का नाम है, मैं डाल देता हूँ कभी कभी, फिर अपना नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जब अभी मैंने आपको स्क्रॉल किया होगा स्टार्टिंग में, तो सुशांत ही दिखा होगा, फिर उसके बाद अभी मैंने चेंज कर दिया, PLT कर दिया, ठीक है। तो शो ऑफ नहीं करता, तो कभी कभी चेंज कर देता हूँ। देखो मैं आपको इतना ही कहने चाह रहा हूँ दोस्त, रियल नॉलेज लो, आगे बढ़ो, जेनुअन पर्सन के पास जाओ। मार्केट में बहुत कम जेनुअन पर्सन है, यहाँ पे बहुत लोग तुम्हारा पैसा खाने आए हैं, ठीक है। तो अपने पैसे को बचाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं, अपना घर भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे भाई, नहीं समझेंगे, इस बात को समझो, क्योंकि वो अपने चक्कर में पड़े रहते हैं यार। दूसरे की भी फैमिली, उसका भी बच्चा, उसकी भी बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और बहन है, सिस्टर, सब कुछ है, वाइफ है, तो उनका लॉस करवा के तुम्हें क्या मिलेगा यार। एक गरीब का घर खाली कर दोगे, उसके बाद तुम्हें बद्दुआ ही मिलेगी ना, दुआ तो नहीं मिलेगी। यही कहूंगा, दुआ लो, आगे बढ़ो, आशीर्वाद बनाओ, प्यार दो सबको, एंड हेट किसी से नहीं करना यार, प्यार दो, प्यार लो, कृष्णा कहते हैं। बस यही कहूंगा कि मैंने भी कभी वो स्टेज देखा था, तभी आज रियल नॉलेज के साथ मार्केट में उतरा हूं, और मार्केट को चैलेंज करके उसकी कह के ले लेता हूं। नहीं विश्वास है तो टेलीग्राम चैनल पे आके देख लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही तगड़ी लर्निंग की वीडियो आती रहेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बताऊं, बस इस वीडियो में देख लिया तुमने मैंने ऐसे इतना ट्रेड लिया था, और बॉलिंजर बैंड के बारे में थोड़ा सा भी कुछ नहीं बताऊं, बस बता दे रहा हूं कि इसकी सेटिंग वगैरह जाननी है तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, और प्लस इसकी वीडियो आएगी जितनी जल्दी से जल्दी तुम लोग 10K करवा लोगे, ठीक है।